हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम आए हैं महावीर मंदिर, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बड़ा सा मंदिर। और आज 25 दिसंबर बड़ा सा बर्थडे, तो थोड़ा दर्शन करने आए हनुमान जी का। और ये पटना का फेमस मंदिर है, रेलवे स्टेशन के पास में ही है, तो आप देख सकते हैं कितना भीड़ है और कितना घूम घूम कर जाना पड़ेगा, पता नहीं कितना देर लगेगा। चलिए आज मैं आपको हनुमान जी का दर्शन करवाता हूँ और बने रहिए इस वीडियो के साथ। और आप इस तरफ देख सकते हैं कितना भीड़ है, मतलब 1 2 3 अभी मतलब 3 बार और ऐसे घूमना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 3 से 4 बार तभी हम अंदर जा पाएंगे। और आप ये देखिए कितना भव्य है मंदिर, यहाँ काफ़ी खूबसूरत। और ये आखिरी लाइन है और सीधा इसमें हम जाएंगे अंदर। और यहाँ से महिलाओं और पुरुषों की लाइन साथ में जा रही है, अब आप देख सकते हैं। और इस तरफ आपको पूरा महिला मंदिर और इस तरफ पुरुष। तो चलिए चलते हैं अंदर और बजरंगबली का दर्शन करते हैं। देखते कितना भीड़ है यहाँ पर। चलिए सीधा अंदर चलते हैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं आप कितना और हम घुस चुके हैं हम मंदिर में, आप यहाँ देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बड़े बड़े घंटे लगे हैं। चारों तरफ से लोग बजरंग बली के, और जहाँ पर बजरंग बली वहाँ पर मस्तक झुका कर प्रणाम कर रहे हैं, इस तरह से लोग जो है जाप कर रहे हैं बैठ कर। चलिए चलते हैं ऊपर। और ऊपर का नज़ारा देखते हैं कैसा।
उनको अभिषेक करवाया जा रहा है। और यहाँ पर और ये देखिए पटना जंक्शन के पास में आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा जब हम बिहार पुल निर्माण विभाग में जा रहे थे तब आज तो मैंने बताया था कि मैं इसका ब्लॉग बनाऊंगा और देखाऊंगा कि निर्माण क्या है। देखिए पटना जंक्शन से एकदम डायरेक्टली आपको घूमने का मन हो या फिर हनुमान जी के दर्शन करना हो तो काफ़ी बड़ा स्टेशन और काफ़ी अच्छा बने आप देख सकते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर चलकर देखते हैं ऊपर से कैसा सीन है और क्या है। तो आप हमारे इस वीडियो को देखिए ऊपर का सीन देखते हैं ऊपर का सीन कैसा है। और ये हाँ ये भाई मोली झुका करने को लगेगा चोट हनुमान जी के उसके ऊपर स्टेशन है पटना जिसकी फिर थे आप और मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या और आप यहाँ पर देख सकते हैं लोग किस तरह से फोटो खिंचवा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं आज 25 दिसंबर को सैटरडे को और काफ़ी श्रद्धालु हैं जो आए हैं और आज भीड़ काफ़ी है क्योंकि आज शनिवार है और सैटरडे को काफ़ी भीड़ होता है मंगलवार को किससे भी ज़्यादा होता है। और ये देखिए कुछ ऊपर का सीन इस प्रकार है। ये जो पुल देख रहे हैं आप चिड़ियाटार को जाती है और इस तरफ जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन और आप देख सकते हैं लोगों को कितने भीड़ है यहाँ पर यात्रीगण आ रहे हैं जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए रेलवे का इंजन भी रखा हुआ है इसको हम नीचे से देखेंगे और पूरी पार्किंग एरिया इस तरफ स्टेशन की तरफ। जो ऊपर का व्यू था वो हम लोगों ने देख लिया अब आगे चलते हैं और घर को जाने में काफी कुछ करना है तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इधर से आने का है इधर से ऊपर जाने का और ऊपर से वापस उधर नहीं इस तरफ से निकलने का रास्ता है तो चलिए बाहर चलते हैं और देखते हैं बाहर का सीन क्या है। जय बजरंगबली। और ये देखिए सिर्फ पटना जंक्शन की तरफ ही निकलता है और यहाँ पे कौन सा भगवान है और ये हमारे गणपति बप्पा मौर्य गणेश भगवान की प्रतिमा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ना किसी में दिख नहीं रहा है चमक रहा है और आगे में देखते हैं क्या है। और ये देखिए सत्य नारायण भगवान है और यहाँ पे तो छुपा हुआ है देखिए कितनी खूबसूरत जय हो भगवान। और यहाँ पे देखिए हमारी वीणा की देवी सरस्वती माँ घड़ी बज गए एक
ये किस चीज़ का चोटी है पहाड़। तो ये आपने देखा महावीर मंदिर जो कि पटना में स्थित है, रेलवे स्टेशन के पास में ही। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। और यहाँ पर आप देख सकते जो मेरे पीछे खड़ी है सब, जो भाव से चलती थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में कुछ नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.